सवाल है शमसी न्यूज़ में, नाज़रीन इकराम, शराब की बुराइयों का तस्करा क्या किया जा सकता है? बल्कि ये तो अमूल खबाइस है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर ना ही मसाजिद खुले, ना ही दीगर इबादत गाहों की तरफ तवज्जो दी गई। हुकूमत की तरफ से उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ख़जाने की पड़ी थी, जिसके चलते हुए हुकूमत ने शराब खाने खोल डाले। जी हाँ, शराब की दुकान पर शराब मिलने लगी, जिसके नतीजे में आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये इलाके जगतियाल का वीडियो बताया जा रहा है कि शराबी सड़क पर ना सिर्फ हंगामा कर रहा है, ये ग्रेनेड उठाकर शायद किसी पर डाल भी सकता था, लेकिन इसकी मौत वाक़े थी। ये शराबी इस सड़क पर हंगामा करते करते बगल में ट्रांसफार्मर को जाकर पकड़ लिया, जिसके नतीजे में बरसरे मौका इसकी मौत वाक़े हो गई। अब इसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये ख़ुद इस मौत का ज़िम्मेदार है? क्या हुकूमत इसकी मौत की ज़िम्मेदार है? या फिर इसकी बुरी लत की वजह इसे दुनिया से ले गई? ये फैसला करना ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, लेकिन हम और आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग इस बुराई से ज़रूर बचें और हुकूमत पर ये प्रेशर बनाएं कि जब एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली हैं तो उन पर जुल्म करना बंद कर दें। लोग गैस लेने के लिए निकल रहे हैं या मेडिसिन के लिए जा रहे हैं तो मास्क के नाम पर और दीगर चीज़ों के नाम पर हुकूमत आवाम को परेशान कर रही है, लेकिन शराबियों की ये चीज़ें ना सिर्फ शराबियों को नुकसान पहुँचा रही है, बल्कि उसके साथ साथ उनके लिए जानलेवा भी बन रही है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा